दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी क्राउड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे MS Excel के स्टेटस बार टूल को। दोस्तों हम अपने इस YouTube चैनल पे हर वीक वीडियो अपलोड करते हैं मंडे इवनिंग 7 o'clock। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे ओनली MS Excel की वीडियोज देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट पर क्लिक कीजिएगा। हमारे इस चैनल पर आने के बाद जैसे ही आप प्ले लिस्ट पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे बहुत सारी प्ले लिस्ट बनी हुई हैं। तो इसमें जो MS Excel वाली प्ले लिस्ट इस पर क्लिक कीजिएगा और इसमें आपको सभी MS Excel की वीडियो दिखेंगी जिनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है उस पर क्लिक करके सॉल्यूशन देख सकते हैं उसका, ठीक है ना। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अगर आप जुड़ना चाहते हो इस चैनल से तो अपना जीमेल अकाउंट साइन इन लॉग इन कर लीजिएगा। उसके बाद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, उसके साथ साथ ही जो बेल आइकन है इसको दबाइएगा, तीन ऑप्शन दिखेंगा, ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इसको लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और उसके बाद उस सीट को ओपन कर लीजिएगा MS Excel सीट पर जिसमें आप स्टेटस बार देखना चाहते हो, ठीक है ना। ये ओपन हो गई है, ठीक है, सब कुछ ठीक है इसमें। और इसके बाद दोस्तों मैं नीचे, ये जो नीचे है ना, ये यहाँ पे जो ये जो दिख रहा है नीचे स्टेटस बार के लिए है, इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है नॉर्मल व्यू में ये दिख रहा है। अब इसके बाद है पेज लेआउट में आपको दिख जाएगा, पेज लेआउट में आपको दिखेगा कि फर्स्ट जो पेज है उस पर इस तरीके से दिखेगा हमारा, सेकंड पेज पे ये, और सेकंड पेज में ये कवर हो जाएगा वैसे, ठीक है ना। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, इस तरीके से ये हमारा पेज लेआउट दिखेगा ये, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे है पेज ब्रेक प्रीव्यू, इसमें पेज ब्रेक प्रीव्यू में दिखेगा ये जो पेज ब्रेक है, फर्स्ट पेज में ये आएगा, सेकंड में, थर्ड ये, फोर्थ ये, इस तरीके से, ठीक है ना। एक सीट दो पेजों में दिखेगी, फर्स्ट पेज सेकेंड पेज, ठीक है ना। उसके बाद हम इस पर नॉर्मल व्यू कर लेते हैं इसका, इस तरीके से हमने नॉर्मल व्यू कर लिया। अब उसके बाद है ये हम जो आपको दिख रहा है ये जूम कंट्रोल पैनल है, यहाँ पे जूम कंट्रोल, यहाँ से आप जूम आउट और जूम इन कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से स्क्रॉल अप करके देख सकते हो ऊपर की तरफ, लेफ्ट करके इस तरीके से सीट को देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये हो गया नॉर्मल पेज लेआउट, पेज ब्रेक प्रीव्यू, और ये जूम कंट्रोल पैनल हो गया। उसके बाद दोस्तों ये जो है जैसे जो वैल्यू है, अगर इन वैल्यूज को आप, ये जो टोटल सेल प्राइस है अगर इनको देखना चाहते हो ऐड करके, तो आप इनको सेलेक्ट कर लीजिएगा और आपको यहाँ पे देखेंगे कि सम टोटल है इसका 21,25,000,000,10,00,00,10,00,02,62,70,000 इनका सम है सभी का, और काउंट 10 दिखा रहा है, 10 ही है, 10 ही नंबर हमने सेलेक्ट किए हैं ये दिखा रहा है, और इसका एवरेज दिखा रहा है 26,27,000 इसमें इसका एवरेज है, 26,27,000 एवरेज हो गया। उसके बाद अगर इसमें और भी कुछ ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद आप कैप्स लॉक, नम लॉक, ये सब इसमें ऐड या ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जैसे कैप्स लॉक पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, कैप्स लॉक और नम लॉक दोनों को ऑन कर लेते हैं तो आपको दिख रहा है यहाँ नम लॉक, अभी हमारा जो नंबर लॉक है वो ऑन है। कैप्स लॉक भी ऑन कर लेते हैं, जैसे कैप्स लॉक हम अपने कीबोर्ड से ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारे कीबोर्ड में तो लाइट जलेगी, साथ ही यहाँ पे भी कैप्स लॉक ऑन दिख जाएगा, यानी अगर ये यहाँ पे दिख रहा है तो इसका मतलब ऑन है, अगर यहाँ पे नहीं दिखेगा तो मतलब कैप्स लॉक ऑफ हो गया। इसी तरीके से नंबर लॉक का है, अगर ये ऑफ हो जाएगा या भी दिखेगा नहीं तो मतलब इसका कि नंबर लॉक ऑफ है, अगर इस पर क्लिक करोगे तो ये दिखने लगेगा तो समझो नंबर लॉक ऑन है, इस तरीके से। इसके बाद इनको हटाना चाहते हो तो कैप्स लॉक पे क्लिक करके, नंबर लॉक पे क्लिक करके इनको हटा सकते हो, जिनको भी हटाना है, स्क्रॉल लॉक जो भी हटाना हटा सकते हो।
उसके बाद इसमें सम दिख रहा है, मैक्सिमम देखना चाहते हो वो भी दिखने लगेगा, मिनिमम देखना चाहते हो वो भी दिखेगा इस तरीके से। अब आपको दिख रहा है कि मिनिमम भी दिख रहा है, मैक्सिमम भी दिख रहा है, सम भी दिख रहा है, एवरेज भी दिख रहा है और कितने काउंट है वो भी दिख रहा है इस तरीके से। सम है 9555, मैक्सिमम 1650 है, मिनिमम 467 और काउंट और कितने हमने सेलेक्ट किया वो, हाँ वो 10 ही है वो तो, क्योंकि एक तो सीरियल नंबर वो ऊपर चला गया वो तो, ये तो हाँ असली में असलियत में सीरियल नंबर ये वो तो अलग हो गया, वो तो हमारी रो है, ये सीरियल नंबर 10 सेलेक्ट किया तो 10 आ गए इसमें। एवरेज 955.5 एवरेज है इनका। तो ये है दोस्तों स्टेटस बार, स्टेटस बार में आप जो भी कुछ ऐड करना चाहते हो, हटाना चाहते हो वो सब इसमें से हटा सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने एक्सेल सीट में स्टेटस बार का यूज कर सकते हो। तो अगर यहाँ से आपको जितना जूम करना है कंट्रोल, जितना जूम करना है यहाँ से कर से यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कम कर सकते हो, यहाँ से बढ़ा सकते हो जूम को, ठीक ना। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने बताया कि आप अपने एक्सेल सीट में स्टेटस बार का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। अगर वीडियो अगर ज़रूरत हुई दूसरी वीडियो बनाने की किसी के ऊपर तो दूसरी वीडियो बनाऊँगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट वीक और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।